हाँ, ये जर्नी इतनी स्विफ्ट थी, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गई, जबकि बहुत मजा आया था। कहते ना, जिस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये खत्म हो गया, आज लास्ट डे है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने अच्छे TRPs के साथ आगे बढ़े हैं, और देखते हैं आज क्या होता है। क्या लगता है कौन विनर बनेगा अगर आपके हिसाब से? उधर कर लेना है। देखिए, मुझे लगता है इस पूरे सीजन का जो हीरो है वो हमारी दिव्यांका। ये सीजन दिव्यांका के नाम से जाना जाएगा, बट जो हमने देखा, जो लगा, हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जीतेगा। लेकिन कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इस सीजन में हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इस तरीके से दिव्यांका और अर्जुन का ज़्यादातर एक्सपेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि विनर उन दोनों का होना, क्योंकि कंपटीशन तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा था। दैट्स व्हाट कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट, कि अब 13 में से कोई एक ही जीता है। ऐसा तो है नहीं कि अरे एक ये क्यों, मैं क्यों नहीं। इट्स ऑल अबाउट हर स्टेप। अब क्या होता है कि हमारा ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीजन जो होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में स्टंट बाय स्टंट जाते हैं, जो जिस स्टंट में अच्छा करता है वो आगे जाता है, फिर उस स्टंट में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आउट हो जाता है, या फिर अच्छा करता है तो आगे जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही करते करते सर करते लोग बाहर निकलते गए, मैं बाहर निकली, और मतलब अच्छे रिश्ते भी बने हैं इस चीज़, इन रिलेशनशिप को किस तरीके से बाहर कंटिन्यू, शो के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोग सब, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं। यहाँ पर वी हैव वन ग्रुप जहाँ पे सारे टच में हैं, मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रुप ज़्यादा दिन तक रहे और हम सारे टच में रहें। लेकिन ऑल्सो ये इंडस्ट्री में इतना काम और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे घंटे काम करते हैं कि मिलना नहीं हो पाता है। और पर्सन लाइक मी जो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने बच्चों के साथ, वो वैसे भी ज़्यादा पार्टीज़ वार्टीज़ के लिए नहीं जाती, तो मेरे ख्याल से मिलना अगर हमारा कम भी हुआ तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बिग बॉस हाउस के अंदर जाने की आपकी बात कही जा रही है, कितनी सीनियर बनके, सीनियर बनकर। यार यही तो बात है तुम लोगों की, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो तुम लोगों को पता होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। अगर मौका मिला तो जाएंगे आप एज अ सीनियर? आई डोंट थिंक सो। अब नो, जिसमें मैं पार निकलती गई वो सारे बेस्ट थे, आई वॉज केयर इन एवरी स्टंट। और अभी भी अगर मुझे कहा जाए कि वो जाकर उसे बेहतर कर पाओगे क्या, जो स्टंट्स आपने किए थे, मुझे लगता है मैं बेहतर कर पाऊंगी, बस हो गया, हो गया। अच्छा श्वेता मैम, दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहेंगी वरुण के बेस्ट कंपेनियन है? बहुत खुशी की बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप, जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी इन दी एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।